हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। गाइस, बहुत सारे मेरे एस्ट्रोलॉजी के दोस्त, मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि D9 का बर्थ चार्ट में क्या रोल है। D9 चार्ट जो है वो हम क्यों चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, जो आपका लगन कुंडली है, दिस इज़ प्ले अ बिग रोल। लगन कुंडली, महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट, इनका जो आपस में कनेक्शन अगर अच्छा बन जाए तो हमें शायद कुछ और चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। और D9 हम क्यों देखते हैं ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट भेजते हैं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो D9 जो चार्ट है ये आपके पार्टनरशिप्स को दिखाता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपकी लाइफ कैसी चलेगी, आपकी कितनी शादियाँ होंगी और आपकी मैरिज लाइफ कितनी अच्छी चलेगी, कितनी बुरी होगी, मैरिज लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी। अब अगर सपोज करें वीनस आपका लगन कुंडली में थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन D9 यानी नवांश चार्ट में वो अच्छे प्ले हाउस पे प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड है, या किसी भी प्लैनेट का एनिमी प्लैनेट का कोई एस्पेक्ट नहीं है, या हम बोल सकते हैं कि डेबिटेशन साइन में नहीं है, तो आपकी मैरिज लाइफ कुछ बेटर रहेगी। आई मीन टू से कि D9 का जो रोल है आपकी लाइफ में वो आपके बिजनेस पार्टनर और आपकी मैरिज लाइफ से के साथ जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी लग्जरी के साथ भी D9 का रोल जुड़ा हुआ है। अब अगर हम लगन कुंडली को देखते हैं तो कौन कौन से चार्ट्स को हमें प्रेफरेंस देना चाहिए एक बर्थ चार्ट को रीड करते हुए। सबसे पहले लगन कुंडली, फिर उसके बाद चंद्र कुंडली, फिर उसके बाद D9, फिर उसके बाद चलित भाव। लेकिन इन सबके साथ चल रहा है ट्रांजिट, गोचर। आप ये समझ के चलें जो गोचर की कैलकुलेशन है वो D9 या चलित भाव या चंद्र कुंडली से कम होकर लगन कुंडली से ज़्यादा होगी। और अगर आप आपके महादशा के मालिक को, आपके फॉर एग्जांपल यू हैव ए जुपिटर महादशा एंड जुपिटर इज़ वेल प्लेस्ड इन योर लगन कुंडली, जुपिटर इज़ अ रूलिंग प्लैनेट ऑफ योर बर्थ चार्ट और उसका आपके असेंडेंस के साथ अच्छा कनेक्शन है, लेकिन नवांश में वो डेबिलिटेटेड होकर बैठ गया, तो जो जुपिटर के रिजल्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं मिलेंगे। नवांश कुंडली का ज़्यादा रोल आपकी मैरिज लाइफ या आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स के साथ है। लाइफ में आपकी कितनी पार्टनरशिप्स रहेंगी, किस तरह की पार्टनरशिप रहेंगी, प्रोडक्टिव रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये आपका D9 है। सो यू नीड टू नो कि आपका D9 में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। अगर आपका वीनस लगन कुंडली में डैमेज हो रहा है या आपका सेवन्थ हाउस डैमेज हो रहा है, लेकिन अगर D9 आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मैरिज लाइफ जो है वो अच्छी जाएगी। अब यहीं पर एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें लगन कुंडली में आप मंगलिक हैं और D9 में आप मंगलिक नहीं हैं, और आप किससे प्यार में हैं और वो सामने वाला लड़का आपको ये बोल रहा है कि नहीं, हम D9 में मांगलिक नहीं हैं, मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पता किया था, तो आप ये ना भूलें कि लगन कुंडली का सबसे बड़ा रोल है, उसके बाद D9 का है। अगर आप लगन कुंडली में मांगलिक हो, यानी कि लगन से मंगल आपका 1st, 4th, 7th, 8th, 12th में है, या चंद्र राशि से भी मंगल आपका 1st, 4th, 7th, 8th और 12th में है, या शुक्र से आपका मंगल 1st, 4th, 7th, 8th, 12th आपके चार्ट में बन रहा है, तो आप पूर्ण मंगलिक हो। तो आप ये मत देखें कि D9 में मैं मंगलिक हूँ कि नहीं हूँ। अगर आप लगन कुंडली में मंगलिक हो तो इसका मतलब यू हैव अ फुल मांगलिक एनर्जी रिसीविंग फ्रॉम मार्स। सो आप ये समझ के चलें कि D9 को हम सिर्फ अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ को लेकर और बिजनेस पार्टनरशिप्स को लेकर देखते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी लग्जरी या हमारे जो हैप्पी इवेंट्स हैं लाइफ के, वो भी D9 के साथ जोड़कर हम देख सकते हैं। लेकिन लगन कुंडली का जो रोल है, चंद्र कुंडली का जो रोल है, वो D9 से कहीं ज़्यादा है। हाँ, D9 को हम कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि लगन कुंडली की पूंछ है D9। अगर लगन कुंडली से हमें ऑल अराउंड हमारा लाइफस्टाइल पता लग रहा है, कितने सुख, कितने दुख, कितने हैप्पी मोमेंट्स, कितने सोरो, कितनी हर्डल्स, कितनी स्ट्रगल फेस करके हमने कितनी सक्सेस हासिल करनी है, ये हमारा लगन कुंडली है। लेकिन D9 एक पूरा निचोड़ निकालेगा कि क्या लगन कुंडली के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो D9 के अकॉर्डिंग हमें कब मिलेंगे, कब एग्जीक्यूट होंगे। तो आप समझ के चलें आपकी लाइफ के जो हैप्पी मोमेंट्स हैं, आपकी मैरिज लाइफ जो है, क्योंकि देखें शादी को हम अगर देखें तो एक खुशी के पल के साथ जोड़कर देखते हैं कि जब एक नया मेंबर आपके घर में आता है तो आपकी लाइफ चेंज होती है, या उसकी लाइफ में एक नया पर्सन आता है तो उसकी लाइफ चेंज होती है। तो D9 का कहीं ना कहीं रोल आपकी मैरिज लाइफ के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ और आपके हैप्पी मोमेंट्स के साथ हैं। ऐसे इवेंट्स लाइफ में जो आपको हैप्पीनेस दें, जो आपको हर एक तरफ से खुशी दें, वो आपके D9 से हम जोड़ के देख सकते हैं। सो गाइज, आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि आपका D9 में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, और आपका लगन चार्ट और D9 का चार्ट कैसा है,
इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन क्या है, तो आप एक सही प्रडिक्शन दे पाएंगे। लेकिन ये मत भूलें कि महादशा का रोल बहुत बड़ा है, ट्रांजिट का रोल बहुत बड़ा है। अगर आपने सही एक्यूरेट प्रडिक्शन निकालनी है तो आप अपनी महादशा के नाथ को, यानी कि जो महादशा में प्लैनेट चल रहा है, जो अंतरदशा में चल रहा है, उसको गोचर के साथ देखें और उसको लग्न कुंडली के साथ देखें, फिर नवांश के साथ देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नवांश को इग्नोर करें, D9 को इग्नोर करें, D9 को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बट इफ़ यू वांट टू एनालाइज प्रॉपर, देन आपको चार चीज़ों को जोड़कर चलना है, लग्न कुंडली, आपका ट्रांजिट, आपके महादशा का मालिक, अंतरदशा का मालिक और नवांश, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे नवांश है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आई एम क्लैरिफाई एवरीथिंग वट यू वॉन्ट टू नो अबाउट D9 एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ अबाउट D9 वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।